Hello students, myself Akshay Joshi from Shijal Public School welcomes you in another online classes of class 6 of English. तो जो हम क्लास फिफ्थ इंग्लिश का जो है आज हम चैप्टर पढ़ेंगे हेनरी अ कैमिलियन. ठीक है ना, कैमिलियन कैमिलियन मतलब क्या होता है, गिरगिट. ठीक है ना, गिर देखा होगा ना अपने, गिरगिट चिपकली जैसा ही रहता है पर अलग रहता है चिपकली से. ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पे इस चैप्टर में जो है कैमिलियन का नाम जो है हेनरी नाम दे रखा है उसको, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. चलिए शुरू करते हैं. तो पेज नंबर 58 निकाल लीजिएगा सभी. चलिए, कैमिलियंस आर इन क्लास बाय देमसेल्फ एंड आर नो ऑर्डिनरी रेप्टाइल्स. कैमिलियंस जो होते हैं वो साधारण जो चिपकली होती है उससे थोड़े से अलग होते हैं, उनकी एक अलग एक क्लास होती है. दे आर इजीली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम देयर नियरेस्ट रिलेटिव्स. वो अलग से ही उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है. डिस्टिंग्विश मतलब विशिष्ट, मतलब उनको अपने उनको जो अपने नियरेस्ट रिलेटिव, नियरेस्ट रिलेटिव मतलब उनके जो भी फैमिली के होते हैं, फैमिली मेंबर्स मतलब क्या, जैसे कि उनके उनसे मिलते जुलते जो भी जानवर, चिपकली है, चिपकली के अलावा और भी ऐसे कोई जानवर होते होंगे. ठीक है ना, तो उससे उनको जो है अलग किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है. ठीक है ना, द लिजार्ड्स बाय सर्टन आउटस्टैंडिंग फीचर्स. ठीक है ना, चिपकली से जो है उनको एक अलग तरीके से जो है उनकी अलग विशेषता होती है, चिपकली की अलग विशेषता होती है, कैमिलियन की जो है एक अलग विशेषता होती है. तो आसानी से जो है हम उनको दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ये बताया गया है. कैमिलियन टंग इज एज लॉन्ग एज इट्स बॉडी. जो कैमिलियन होता है, जो हम गिरगिट की बात कर रहे हैं, उसकी जो जीवान होती है, उसकी जो टंग होती है वो उसकी बॉडी से ज्यादा लंबी रहती है. इट्स लिम्स आर लॉन्ग एंड स्लेंडर. लिम्स मतलब उसके अंग, उसके जो हाथ पैर रहते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं. एंड स्लेंडर, स्लेंडर मतलब क्या होता है, लंबे होते हैं और पतले होते हैं. कौन से, उसके अंग जो हाथ पैर रहते हैं उसके, वो पतले और लंबे होते हैं. इट्स लिम्स आर लॉन्ग एंड स्लेंडर एंड इट्स फिंगर एंड टॉज रिसेंबल अ पेयर ऑफ क्लॉज. ठीक है ना, और उनके जो फिंगर्स रहती है मतलब उनके हाथ पैर जो भी उनकी फिंगर्स रहती है और उनके टॉज रहते हैं, उनके टॉज मतलब उनके जो पंजे रहते हैं. ठीक है ना, वो लगभग लगभग जो पैरट के क्लॉज देखोगे, पैरट के पंजे देखोगे ना आप ऐसे. ठीक है ना, उस तरह के जो है उसके पंजे भी, उसके हाथ पैर भी जो है इस तरह के कैमिलियन के रहते हैं. ऑन इट्स हेड में लिया एनी ऑफ सेवरल ऑर्नामेंट्स. हेनरी हैड अ रिजिड क्रेस्ट दैट लुक्ड लाइक अ फायरमैन हेलमेट. ठीक है ना, और उनके हाथ सिर पर, हेड पर मतलब, ठीक है ना, एक ऑर्नामेंट टाइप, एक आभूषण टाइप उनके ऊपर लगा रहता है. हेनरी हैड अ रिजिड क्रेस्ट. हेनरी मतलब कौन, हेनरी मतलब यहाँ पे कैमिलियन की बात हो रही है. उसके ऊपर एक क्रेस्ट टाइप होता है. क्रेस्ट मतलब क्या होता है, सिर पे ऐसा उनके एक स्किन रहती है जिससे ऐसा लगता है कि वो एक ताज जैसा लग रहा है. ताज मतलब क्या, मुकुट, सिंहासन जैसा उसके ऊपर, सिर के ऊपर लगता है. ठीक है, हेनरी आइज विथ हिज मोस्ट रिमार्केबल पोजीशंस. हेनरी की जो आईज होती है, हेनरी आपको कौन की बात कर रहे हैं, बार बार मैं हेनरी के बारे में बताऊंगा नहीं आपको, आपको बता दिया मैंने कि हेनरी मतलब हेनरी मतलब क्या होता है, कैमिलियन. ठीक है ना, हेनरी का जो कैमिलियन का नाम दे रखा है इस चैप्टर में नरेटर ने, वो क्या दे रखा है, हेनरी दे रखा है. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो हेनरी की आईज मतलब जो कैमिलियन की आईज होती है वो सबसे मोस्ट रिमार्केबल पोजीशन होती है, मतलब सबसे देखने उल्लेखनीय चीज होती है. ठीक है ना, ध्यान देने वाली यहाँ पे जो है उसकी आंखें होती है. क्यों ऐसा, क्यों, दे वर नॉट ब्यूटीफुल बट इज लेफ्ट आईज वाज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ हिज राइट. वो खूबसूरत तो नहीं होती है बट उसकी जो लेफ्ट आई होती है वो इंडिपेंडेंट रहती है राइट वाली आंख से. मतलब क्या कि वो उसके अपने लेफ्ट आई को अलग से मूव कर सकता है, राइट आई को अलग से मूव कर सकता है, मतलब वो अलग अलग दिशाओं में एक ही समय पर देख सकता है. हम हमारी आंखों को अलग अलग घुमा सकते हैं या नहीं घुमा सकते. ठीक है ना, अगर हम इधर देखना होगा तो हमारी दोनों आंखें इधर ही हो सकेगी, या आपको इधर देखना होगा तो इधर ही दोनों तरफ हम देख पाएंगे. ठीक है ना, तो बट कैमिलियन जो हेनरी की जो आंखें है वो क्या होती है, वो उसकी इंडिपेंडेंट होती है, वो दोनों आंखों को अपने अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है एक ही समय. ठीक है, ही कुड मूव वन आई विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर. इच आई बॉल बल्किंग आउट ऑफ हिज हेड बबल्ड अप एंड डाउन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. उसकी जो आई बॉल होती है, आई बॉल मतलब जो आंखों के अंदर बॉल दिख रही है ना ब्लैक ब्लैक, इसके अंदर में जो बॉल होती है वो बल्किंग रहती है. बल्किंग मतलब क्या होती है, उभरी हुई, ठीक है, थोड़ी सूजी बाहर की तरफ जो है उभरी हुई उनकी आंखें होती है. द फ्रेंजिड मूवमेंट गिव्स हेनरी अ हॉरिबल स्क्वींट. फ्रेंजिड मतलब क्या होता है, फ्रेंजिड मतलब होता है उत्तेजित. उत्तेजित मतलब एकदम से एक्साइटमेंट में रहता है. ठीक है ना, फ्रेंजिड मूवमेंट गिव हेनरी अ हॉरिबल स्क्वींट. स्क्वींट मतलब क्या होता है, एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में देखना, मतलब वो एकदम जल्दी जल्दी फूर्ती से चलता है और उसकी आंखें जो भी वो भी दो दो घूमती रही, इससे जो है उसको एक हॉरिबल स्क्विंट बनती है. ठीक है ना, स्क्विंट मतलब इसको एक डरावना थोड़ा सा एक जानवर बनाने की बनाता है. एंड वन लुक इनटू हेनरीज फ्राइटफुल गेज वाज ऑफन इनफ टू स्क्वेयर पीपल इनटू बिलीविंग दैट कैमिलियंस आर डेंजरस एंड पॉइजनस रेप्टाइल्स. ठीक है ना, और उसकी जो हेनरी को अगर कोई भी घूर के, अगर हेनरी किसी को घूर के एक बार देख लेता है तो वो लोगों को डराने के लिए काफी होता है और ये बिलीव करने के लिए भी काफी होता है कि हेनरी जो होता है मतलब जो कैमिलियंस होते हैं वो डेंजरस होते हैं और वो पॉइजनस रेप्टाइल्स होते हैं. ठीक है ना, एक जहरीले जानवर टाइप होते हैं.
One day grandfather was visiting a friend in northern India when he came upon a noisy scene at the garden gate. एक दिन क्या होता है जब ग्रैंडफादर मतलब जो उस नैरेटर के दादाजी हैं वो अपने दोस्त के वहां नॉर्दर्न इंडिया में जो है विजिट करने जाते हैं. जब वो वापस आते हैं तो वह देखते हैं कि नॉइजी सीन है गार्डन गेट. गार्डन के गेट पर वो देखते हैं कि बहुत नॉइजी हो रही है, बहुत शोर शराब हो रहा था उस गेट के वहां. ऐसा क्यों हो रहा था देखते हैं तो मेंस वर शाउटिंग हर्लिंग स्टोन्स एंड ब्रैंडिशिंग स्टिक्स. ठीक है ना, मैं जो है चिल्ला रहे थे हर्लिंग हर्लिंग मतलब जो है फेंकना पत्थर फेंक रहे थे. ठीक है ना, स्टोन जो है पत्थर जो है वो फेंक रहे थे. ब्रांडिशिंग ब्रांडिशिंग मतलब वेयर समथिंग एट अ थ्रेट और एन एंगर. ठीक है ना, और उसको मतलब उसकी तरफ जो है देख रहे थे. किसको देख रहे थे? द कॉज ऑफ द अप्रोर वाज कैमलियन. कैमलियन दैट हैड बीन डिस्कवर्ड सनिंग इटसेल्फ ऑन अ शेल्फ. मतलब पेड़ों के जो है पेड़ों के आसपास या पेड़ों की जो झाड़ियों में जो है एक कैमलियन बैठा हुआ था. इस कारण जो है लोग उसके पत्थर फेंक रहे थे, उसको गुस्से से जो है मारने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है ना, यही जो है कारण हंगामे का कारण था. ठीक है, समवन क्लेम्ड दैट कैमलियन कुड पॉइजन पीपल 20 फुट अवे सिंपली बाय स्पिटिंग एट देम. और कुछ लोग क्या कह रहे थे कि कैमलियन जो है अपना जहर जो है 20 फीट दूर से भी फेंक सकता है. ठीक है ना, ऐसा जो है कुछ लोग कह रहे थे, बट ऐसा होता नहीं है. तो रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया हैड राइजन ऑन आर्म्स. ग्रैंडफादर वाज जस्ट इन टाइम टू सेव द कैमलियन फ्रॉम सर्टन डेथ. ही ब्रॉट अप द लिटिल रेप्टाइल. और तो उस समय जो है सभी जो है रेसिडेंट मतलब वहां के रहवासी जो है उसे मारने के लिए आने वाले थे, बट ग्रैंडफादर ने जो है समय चाहकर उसको बचा लिया और वो जो है उसको अपने घर पर लेकर आ गए. डेट कैमलियन वॉज हेनरी एंड डेट वॉज हाउ इट केम टू लिव विद अस. और इस तरह से जो है उसका नाम जो है कैमलियन का क्या नाम रखा गया था? हेनरी. और इस तरह से जो है वो अब हमारे साथ रहता है. When I visited, first visited Henry, who treat me with great caution. जब मैं पहली बार हेनरी से मिला तो उसने मुझे बहुत सावधानी के साथ मेरे से जो है वो ट्रीट करा. है ना, मेरे साथ वो बिहेव करा. सीटिंग परफेक्टली स्टिल ऑन हिज पर्स विच इज बैक टू मी. ठीक है ना, वो सीटिंग बिल्कुल परफेक्टली जो है वो गोदी में आकर बैठा. हिज नियरेस्ट आई वुड मूव अराउंड लाइक अ बीम ऑफ सर्च लाइट एंटिल इट हैड मी वेल इन फोकस. और जो उसकी जो आंखें थी वो एक सर्च लाइट की तरफ इधर उधर घूम रही थी. देन इट वुड स्टॉप एंड द अदर आई वुड बिगिन एन इंडिपेंडेंट सर्वे ऑफ इट्स साउंड. एक आंख उसकी जो है रुक गई, फोकस हो गई, दूसरी आंख जो है अभी भी घूम रही थी इधर उधर सर्च कर रही थी. For a long time, Henry trusted to no one and responded to my friendliest gesture with grave suspicion. ठीक है ना, काफी लंबे समय तक भी हेनरी ने जो है मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया था. एंड रिस्पॉन्डेड टू माई फ्रेंडलेस गेस्टर विद ग्रेव सस्पिशन. और मैं जब उसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर कर रहा था उसको भी उसने जो है सस्पेंस की नजर में या फिर एक सस्पिशियस मतलब एक संदेहपूर्वक जो है वो मेरे पर विश्वास नहीं कर रहा था अभी भी. ठीक है ना, मैंने उसके साथ इतना फ्रेंडली बिहेवियर करा तो भी. ठीक है, टायरिंग ऑफ इज वेरी एटीट्यूड. वेरी मतलब क्या होता है? शोइंग कॉशन. ठीक है ना, उसकी ऐसे सावधानी बार बार मतलब डर रहा था. सावधानी मतलब बार बार जो है अच्छे से जो है उसके साथ घुल भी नहीं पा रहा था. किसके साथ? नैरेटर के साथ. ठीक है ना, जो भी ये जो बच्चा है यहाँ पे जिस बच्चे की बात हो रही है वो हेनरी जो है उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहा था. ठीक है ना, क्योंकि तो उससे क्या हो गया, वो थक गया. टायरिंग ऑफ टायरिंग मतलब थकना. टायरिंग ऑफ इज वेरी एटीट्यूड. उसके जो वेरी एटीट्यूड, वेरी मतलब क्या होता है? वेरी मतलब सतर्क वाले जो उसका एटीट्यूड था हेनरी का, उससे थक के आई वुड टिकल हिम जेंटली इन द रिब्स विद माई फिंगर्स. तो मैंने उसको क्या करा, धीरे से मैंने अपने रिब्स में विद माई फिंगर्स एंड दिस ऑलवेज थ्रिलिंग टू अ ग्रेट रेज. रेज मतलब होता है वायलेंट एंगर. मैंने धीरे से उसको जो है अपनी उंगलियों से जो उसको उठाने की कोशिश करी. इससे जो है वो क्या हो गया, ग्रेट रेज. रेज मतलब होता है, रेज मतलब होता है एकदम गुस्से में हो जाना. ठीक है ना, इससे जो है वो भी थोड़ा सा गुस्से में आ गया. ही वुड ब्लो हिमसेल्फ टू एन इनॉर्मस साइज. और गुस्से कारण जो है उसने अपनी जो है साइज को थोड़ा सा बड़ा बना लिया. एंड हिज लंग्स फिलिंग हिज बॉडी विद द एयर. उसने अपनी जो लंग्स होते हैं उसको एकदम फुला लिया. इससे क्या हो गया, उसकी जो साइज होगी थोड़ी सी बड़ी हो गई. एंड वाइल्ड इज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड. और जो उसका कलर था वो ग्रीन से गाय में चेंज हो गया था, रेड में चेंज हो गया था. ही वुड सीट अप ऑन हिज हाइंड लेग्स. हाइंड लेग्स मतलब क्या होता है? हाइंड लेग मतलब पिछली टांगे, पिछली जो होती है ना उसको बोलते हैं हाइंड लेग्स. तो जो वो जो है अपने हिंड लेग्स पे जो है खड़ा हो गया था. स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड होपिंग टू ओवरऑल मी. ठीक है ना, और वो क्या इधर उधर घूम के वो क्या कोशिश कर रहा था, इम्प्रेस समवन सो ओवर देयर फील स्केयर्ड. और वो मुझे डराने के, ओवरऑल मी. ओवरऑल मतलब क्या होता है, किसी को डराने के लिए ना, किसी को डराने के लिए, किसको स्केयर करने के लिए कुछ करना, उसको ओवरऑल बोलते हैं. ठीक है ना, तो मुझे डराने के लिए अपनी दोनों पिछली टांगों पर खड़ा होकर और मुझे डराने की कोशिश कर रहा था. ओपनिंग हिज माउथ वेरी वाइड ही वुड लेट आउट मी एन एंग्री हिस. और अपने उसने अपना जो है माउथ जो है बहुत बड़ा जो है उसने मुंह अपना खोला. और बट इज थ्रेटनिंग डिस्प्ले एंड नो फर्दर इट इज नॉट बाइट. ठीक है ना, और गुस्से से जो है वो मुझे तरफ जो है हिस कर रहा था. हिस मतलब जो है अपनी जीवन निकाल के बार बार मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, पर उसने जो है मुझे काटा नहीं.
ही वॉज अ हार्मलेस फेलो, वो एक हार्मलेस मतलब हार्मलेस जो मतलब दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इस तरह का है वो जानवर है। इफ आई पुट माई फिंगर इन हिज माउथ इवन ड्यूरिंग हिज वाइल्डेस्ट मोमेंट ही वुड सिंपली वेट फॉर मी टू टेक इट आउट अगेन, है ना। जब वो इतना वाइल्डेस्ट मोमेंट था मतलब जब इतना गुस्से में भी था, जब मैंने अपनी उंगली जो उसको दी उसके मुंह में, तब भी उसने जो है मुझे काटा नहीं, और अपने वो इंतजार कर रहा था कि कब मैं अपनी उंगली वापस मुंह में से निकाल लूं। ठीक है, आई सपोज ही कुड बाइट, मैंने सोचा कि वो मुझे काटेगा। हिज रिजिड जॉस कैरीड अ नंबर ऑफ फाइनली पॉइंटेड टीथ, उसके जो रिजिड, रिजिड मतलब होता है मजबूत, है ना, उसके जो रिजिड जॉस, जॉस मतलब क्या होता है जबड़े, ठीक है ना, जॉस मतलब होते हैं जबड़े, वो जो उसके मजबूत जो जबड़े थे उसके अंदर बहुत जो है नुकीले फाइन पॉइंटेड छोटे छोटे दांत भी थे। बट हेनरी सीम कन्विंस्ड दैट हिज टीथ वेयर फॉर द सोल पर्पज ऑफ चीविंग फूड नॉट फिंगर्स, बट हेनरी क्या होगा कन्विंस करने के लिए बता रहा था, हेनरी ये बताना चाह रहा था कि जो मेरे दांत है वो किसको खाना पच खाना को चबाने के लिए है, ना कि उंगली को चबाने के लिए है। इस तरह से जो है हेनरी का बिहेवियर था इसके साथ, उस नैरेटर उस बच्चे के साथ। हेनरी वॉज समटाइम्स विलिंग टू टेक फूड फ्रॉम माई हैंड्स, हेनरी कभी कभी क्या करता था, कोशिश करता था कि वो मेरे हाथ से जो है खाना ले ले। दिस ही डिड वेरी स्विफ्टली, वो धीरे इस काम को धीरे से करता था। हिज टंग परफॉर्म लाइक बूमरैंग, उसकी जो जीवान थी वो एक बूमरैंग की तरह काम करती थी। बूमरैंग क्या होता है, एक ऐसा कह सकते हैं औजार आता है, ठीक है ना, कि है ना, जिससे क्या करते हैं, बूमरैंग क्या होता है, एक ऐसा औजार रहता है जिसको हम फेंकते हैं। पहले के जमाने में जब बूमरैंग जो है जंगलों में उसका यूज किया जाता था पक्षियों का शिकार करने के लिए, उसको क्या करते थे, जब जैसे फेंकते थे उसको फेंक के उस पक्षी को जैसे लगता था, और लगने के बाद वापस घूम के वो है वापस शिकारी के पास आ जाता था, ठीक है ना। तो उसकी जो जीवान थी वो भी एक बूमरैंग की तरह थी, कैसे एंड ऑलवेज कम बैक टू ह्यूमन फूड, जैसे ही वो देखा होगा आपने छिपकली है बिल्कुल अपनी जीवान निकालते फटाफट से फूड लेकर वापस अंदर की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह से रेप्टाइल भी जो है, या सॉरी हेनरी भी जो है, इस तरह से उसकी जीवान जो है डंग अटैच टू इट, ठीक है ना, जब उसको अटैच किया तो कोई इंसेक्ट अटैच होकर आ जाता है। Although Henry did not cause any trouble in our house, he did create somewhat of a riot in the nursery down the road. It started out quite innocently. Henry ने कोई भी ऐसा trouble वाला हमारे घर में काम नहीं करा, हमको परेशानी वाला काम नहीं किया। He did create somewhat of a riot in the nursery down the road. It started out quite innocently. When the papayas in our orchard were really ripe, grandmother sent a basket full to her friend Mrs. Ghosh, who was the principal of the nursery school. जब पपाया, पपाया क्या होता है पपीता, जब गार्डन में जो है पपीता उग गए थे, पक गए थे, तो मेरी ग्रैंड मदर ने जो है एक बास्केट भेजा पपाया का, किसको, उनकी फ्रेंड मिसेस घोष को। मिसेस घोष जो की एक प्रिंसिपल है नर्सरी स्कूल में, ठीक है। व्हाइल द बास्केट सेट वेटिंग, जब बास्केट पड़ा हुआ था, हेनरी सेंट सर्चिंग, हेनरी वाज सर्चिंग फॉर बीटल्स एंड स्लिपिंग अमंग द पपायास एंड नोटिस, ठीक है ना। तो हेनरी जब बीटल्स मतलब कीड़े मकोड़ों की तलाश में जब वो इधर घूम रहा था, तो धीरे से गिर गया किस टोकरी में, जिसमें वो पपीता पड़े हुए थे, अननोटिस, अननोटिस मतलब किसी ने नोटिस नहीं करा, और उसमें जाके गिर गया। द गार्डनर्स ड्यूटीफुली कैरीड द बास्केट टू द स्कूल एंड लेफ्ट इट इन मिसेस घोष ऑफिस, ठीक है ना। गार्डनर ने भी इसको ध्यान नहीं दिया, और धीरे से जो है वो अपनी जो है उसकी ड्यूटी के अनुसार जो है वो बास्केट लेकर स्कूल की तरफ चला गया, लेफ्ट इन द मिसेस घोष ऑफिस, और अपने जो उसको कहां पर देने के लिए बोला था, मिसेस घोष के ऑफिस में वो रख के वहां पर आ गया। When Mrs. Ghosh returned after making her round, she began admiring and examining the papayas. जब Mrs. Ghosh जो है स्कूल में राउंड लगा के वापस अपने ऑफिस में आई, she began admiring and examining the papayas. तो उन्होंने अपने तो उन्होंने उस पपीता को एडमायर करा, एग्जामाइन करा, देखने की कोशिश देखा, आउट पॉप है, उसी समय जो है हेनरी जो है एकदम बाहर निकल के आया। Mrs. Ghosh screamed. Mrs. Ghosh ने क्या करा, स्क्रीम मतलब चिल्लाई वो जोरों से। हेनरी स्क्वेंटेड अवेट हर बोथ आईज रिवॉल्विंग फ्यूरियसली, हेनरी की जो है अपनी आंखें जो थी वो एकदम बिल्कुल से एकदम से जल्दी जल्दी में जो है वो अपनी आंखें जो है घुमा रहा था। मिसेज घोष स्क्रीम लगे, इसको देखकर मिसेज घोष फिर से चिल्लाई, ठीक है ना। हेनरीज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो टू रेड, और हेनरी का जो कलर था वो ग्रीन से फिर येलो और येलो से फिर रेड में चेंज हो गया। इज माउथ ओपन एज दो ही वुड लाइक टू स्क्रीम, और उसका माउथ भी जो हेनरी का भी माउथ खुल गया जैसे कि वो कुछ चिल्ला रहा हो। एज असिस्टेंट टीचर टू कॉल लुक एट द कैंपस एंड जॉइनिंग इन द स्ट्रंग, और उनकी असिस्टेंट टीचर जो थी उस स्कूल में, ठीक है ना, वो आई और उन्होंने देखा, एंड लुक एट द कैंपस एंड जॉइनिंग इन द स्ट्रीकिंग, हेनरी वाज टेरिफाइड, ही फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस। जैसे ही आई तो हेनरी जो है क्या हुआ, डर गया, टेरिफाइड हो गया, हेनरी वाज टेरिफाइड, हेनरी जो है काफी टेरिफाइड लग रहा था। ही फ्लेड फ्रॉम द ऑफिस रनिंग डाउन द कॉरिडोर इनटू वन ऑफ द क्लासरूम, और वो ऑफिस में से होते हुए जो है कॉरिडोर से रन करता करता वो एक क्लास में जाके क्लासरूम में जाके घुस गया। देन ही क्लाइंब अप अ डेस्क व्हाइल चिल्ड्रन रन इन ऑल डायरेक्शन, और वो धीरे से जो है वो डेस्क पर चढ़ गया, टेबल पर चढ़ गया, जिससे जो है बच्चे आसपास जो है सभी डायरेक्शन में दौड़ने मन लगे डर के मारे। सम टू गेट अवे फ्रॉम हेनरी, सम टू कैच हिम,
कुछ हेनरी से दूर भाग रहे थे या सब कुछ जो है हेनरी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हेनरी फाइनली मेड इज एग्जिट थ्रू अ विंडो एंड ही सरेंडर्ड इन द गार्डन। और हेनरी फाइनली जो है उसको बाहर जाने का रास्ता मिल गया और वो एक विंडो से होते हुए बाहर की तरफ डिसअपीयर हो गया गार्डन में, जाके गायब हो गया। ठीक है ना, डिसअपीयर मतलब गायब हो गया। गार्डनर सॉरी ग्रैंड मदर हियर अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम मिसेस घोष बट डिड नॉट मेंशन दैट द कैमलेट वाज हर्ट। ग्रैंड मदर ने जो है ये इंसिडेंट को मिसेस घोष से जब सुना तो उन्होंने जब वो मेंशन करा तो उन्होंने ये नहीं बताया कि जो कैमलेट जो आपको दिखा था मिसेस घोष को, उन्होंने ये नहीं बताया जो कैमलेट आपको दिखा था वो हमारा ही था। ही माइट हैव स्पॉइल्ड देयर फ्रेंडशिप। इससे हो सकता है कि उनकी दोस्ती में जो है उनकी दोस्ती खराब हो जाए। ठीक है ना, इस कारण जो है मिसेस घोष को जो है ग्रैंड मदर ने नहीं बताया कि वो जो है कैमलिन आ गया था आपकी टोकरी में वो हमारा ही था। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उनको ऐसा डर था कि इससे हमारी दोस्ती जो है खराब हो जाएगी। ग्रैंडफादर एंड आई डिड नॉट थिंक हेनरी वुड फाइंड हिज वे बैक टू अस बिकॉज द स्कूल वाज 3 ब्लॉक्स अवे। ग्रैंडफादर और मैंने जो है सोचा कि हेनरी अब वापस से तो रास्ता है वो उसको रास्ता हमारे घर का कहीं नहीं मिल पाया क्योंकि स्कूल जो है वो कितना दूर था, 3 ब्लॉक्स अवे, बहुत दूर था उसको। बट अ फ्यू डेज लेटर, कुछ समय बाद और कुछ दिन बाद आई फाउंड हिम सनी हिमसेल्फ ऑन द गार्डन। और मैंने कुछ समय बाद देखा कि वो गार्डन में गार्डन वॉल पर जो है बैठा हुआ था। ऑल्दो ही लुक्ड नॉन द वर्स ऑफ हिज एडवेंचर, ही नेवर वेंट अबाउट अगेन। ठीक है ना, और वो इस तरह से दिख रहा था जैसे कि उसने कुछ भी एडवेंचर नहीं किया हो। ही नेवर वेंट अबाउट अगेन, वो कहीं भी बाहर फिर उसके बाद नहीं गया। हेनरी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज डेज इन द गार्डन वेयर ही केप्ट द इंसेक्ट पॉपुलेशन वेल विद इन बाउंड्स। और हेनरी ने जो अपने बचे हुए दिन थे वो गार्डन में ही निकाले जिससे इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन वो भी कंट्रोल में रही। ठीक है, तो ये चैप्टर जो था आपका फिनिश हो गया है। इस चैप्टर को जो लिखने वाले थे उनका नाम क्या है, द रस्किन बोर्ड, इनके बारे में पढ़ने थे। रस्किन बोर्ड वॉज बोर्न इन कसौली हिमाचल प्रदेश इन 1934। इसके जो राइटर है उनका नाम है रस्किन बोर्ड, जो कि हिमाचल प्रदेश कसौली में जिनका जो है जन्म हुआ था 1934 में। एंड ही इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। ही रोट द फर्स्ट नॉवल द रूम ऑन द रूफ एट द एज ऑफ द 17। यानी 17 साल की उम्र में पहला नॉवल लिख दिया था, इसका नाम था रूम ऑन द रूफ, विच रिसीव्ड द जॉन लिविन प्राइज मेमोरियल प्राइज, जिसने 1957 में प्राइज भी जो है हासिल किया था। एंड ही हैज रिटन ओवर 500 शॉर्ट स्टोरीज एसेड एंड नॉवल्स एंड मोर देन 40 बुक्स फॉर चिल्ड्रन। उन्होंने 500 छोटी छोटी स्टोरीज लिखी थी, निबंध लिखे थे, नॉवल्स लिखे थे और लगभग 40 जो बुक लिखी थी उन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी। तो इस तरह का जो है चैप्टर था, कैमलिन के ऊपर एक चैप्टर था। ठीक है, इसके मैंने हार्डवर्ड्स लिख दिए हैं, पीडीएफ आ चुकी है आपने आपको आ चुकी है, आप उसको नोट डाउन कर लें कॉपी में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।